बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद फरज चैनल में खुश आमदीद नाज़रीन। आज मैं पका रही हूँ चने अंडे डाल के, और उनके लिए मैंने चनों को पहले से उबाल लिया था और फ्रीज कर लिया है। अंडों को अभी मैंने उबालना है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने लहसुन पीस लिया है, इसमें मैंने धनिया डाल के पिसा हुआ धनिया, दो टमाटर मैंने कर लिए हैं पीस लिए, और एक टेबल स्पून मिर्च, हाफ टेबल स्पून टीस्पून हल्दी, और एक टीस्पून आपने नमक रखना है। सबसे पहले आपने ऑयल डालना है, ऑयल डाल के आपने इसमें ये देखें ऑयल डाला है, इसे मैंने ये डाल देना है। ये मैंने इसमें धनिया और लहसुन पीस के जो रखा हुआ है वो मैंने डाल दिया है। जी नाजरीन, ये देखिए, अब लहसुन कुछ टाइम ये हो गया है ब्राउन, इसको मैंने कर लिया ऑयल में। अब मैं टमाटर डाल रही हूँ, मैंने इसमें सारे मसाले भी ऐड कर दिए हैं। अब इनको अच्छा सा मैं भून लूंगी, इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके। ये देखें, मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। जी नाजरीन, ये देखें, मैंने चनों को अच्छी तरह से भून लिया है, और भूनने के बाद अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। अंडे मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं, जब अंडे उबल जाएंगे तो फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अंडे रखने हैं। अभी मैंने इसमें पानी डाल के इसको मैं ढक दूंगी। जी नाजरीन, ये देखें, मैंने चने मसाले में डाल दिए हैं, और अब मैं इन चनों को अच्छी तरह से भून लूंगी, अच्छी तरह से ये करके फ्राई। जी नाजरीन, अंडे चने तैयार हैं, आप ज़रूर घर में बनाएं। ये तो आम ज़रा घर में हर चीज़ मिल जाती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी। ये आप ज़रूर घर में बनाएं, आसान भी है और जल्दी पकने वाली चीज़ है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।